मैं पीजीए न्यूज से जय पांडे। एक्चुअली हम लोग जो है ये आप देख रहे हैं सार्वजनिक बांध काम विभाग है, ईएसआई हॉस्पिटल का जो मैटर है, जो फंड आए सारे काम हुए उनके बारे में हम काफी समय से लड़ रहे हैं, उस फंड के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आरटीआई डाला हुआ है सारी चीजें, लेकिन यह मैडम जो है पिछले 4 महीने से जब भी हम ऑफिस पे आ रहे हैं ये मिलती नहीं है। इनके नंबर भी हमें मिले कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले इनके टेबल से, आप समझिए कि 4 महीने में एक हफ्ता पहले हमें टेबल पे नंबर मिला, उसके बाद भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे कोई बात नहीं कर रही है, ना तो रिप्लाई कर रही है। व्हाट्सएप पे भी हम बात कर रहे हैं लेकिन हमसे कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, और ऑफिस पे आते हैं तो मिलती भी नहीं है। इस समय 4:30 के लगभग हो रहा है और ये ऑफिस पे आप देख सकते हैं ये है, हम आपको दिखाते, कोई व्यक्ति नहीं है। और यहाँ पे जो लोग रहते भी हैं अगर कभी कोई काम करने वाले, उनको कोई इनसे लेना देना नहीं। ये ऑफिस है, अब मैं कहूंगा कैमरे में आप दिखाइए, ये ऑफिस है। एक रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर पे हमने देखा, हमने अपनी भी चीज को आज लिखा, आज पहली बार हमने रजिस्टर भी देखा। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी शिकायतों को लिखकर, रजिस्टर में थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पे डेट वाइज है, आप देखेंगे 23/10 को है, 25/10 को है, फिर 27 को है, 27 को है, फिर डायरेक्ट 31 को है, फिर 6 तारीख को है डायरेक्ट। तो ये बुक भी जो है शायद यहाँ पे नहीं रखी जाती कंटिन्यू, लेकिन आज हमने देखिए हमारे यहाँ पे लिखा है, हमने भी अपनी शिकायत को लिख दिया, मैडम को मिलना है आरटीआई के लिए, मेरा नंबर डाल दिया, मेरा नाम लिख दिया, बाकी लोगों ने अपने लिखे, किसी के दरवाजे नहीं है, किसी की खिड़कियां नहीं है, सारी चीज अपनी समस्याओं को लोग लिख के जाते हैं। ये टेबल है मैडम, यहाँ पे बैठती है मैडम, यही बैठती है ना मैडम, इधर बैठती है ना, हाँ हाँ। अभी कितना दिन पहले इधर आई थी मैडम, अभी कितना दिन पहले आई थी मैडम इधर, अभी 2 दिन हो गए काम आया करके नहीं आए। अच्छा 2 दिन पहले आई थी, अच्छा। और कितना टाइम बैठते हो यहाँ पे, अच्छा, बाकी नहीं तो आधे घंटे में निकल जाती है, बैठती है। हम तो 4 महीने, हम 4 महीने से आ रहे हैं, हमको तो एक बार भी नहीं मिल रही है, ना तो कोई बताते हैं। आप सुबह नहीं आते ना, सुबह कितना बजे मैडम आती है यहाँ पे, 10-11 बजे आ जाती है, उसके बाद 10:30-11 तो 2 बजे 1 बजे आती है, काम चालू है ना, कहाँ चालू है, देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है उसको, अच्छा बहुत काम रहता है उसको, अच्छा तो फिर आती नहीं है दोबारा, क्योंकि हम आते हैं, हमें मिली नहीं 4 महीने में। आप अभी बोल रहे हो, इसके पहले आप ही ने बोला कि बहुत कम आती है, एक दिन आती है, एक दिन आई थी, एक दिन रास्ता बुलाया करके चले, अच्छा नहीं है, एक दिन आते हैं आप समझिए, क्योंकि ये भी ड्यूटी कर रही है, ये ड्यूटी कर रही है आप समझिए, हाँ हाँ, ये काम पे नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं चीजों पे, कोई किसी कोई अपने सर पे नहीं लेना चाहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सच्चाई यही है कि हम 4 महीने से आ रहे हैं यहाँ पे, और 4 महीने से यहाँ पे जो भी कोई रहता है, कोई सिगरेट पीते रहता है, कोई तंबाकू रगड़ते रहता है, हम सबसे बात करते हैं, कोई फोन पे बात करता है, कोई हमें आंसर नहीं मिला, कोई राइट पर्सन हमें नहीं मिला, ना तो टाइम यहाँ पे लिखा है मिलने का टाइम, कुछ भी नहीं यहाँ का टाइम है, तो हम लोग किसके पास जाएं? आप कांटेक्ट करने पे भी नहीं बात होती है, मोबाइल नंबर, मोबाइल पे भी हमने बात किया नहीं, हमें मिला, इनको भी मिला, उनको भी मिला, सबको मिला, अभी भाई साहब को भी हमने मिला एक दो बार, वो मिला भाई, पूछो हम लोग आए कि नहीं मोटरसाइकिल से, अंकल को पूछो पीछे, हाँ हमने मिले हैं सबको, लेकिन क्या कोई मिलता ही नहीं, हम लोग कितनी बार मैडम का नंबर हमको मिला एक हफ्ता पहले, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मैडम, तब कॉन्टेक्ट उस पर भी रिप्लाई नहीं कर रही है, हम किसके पास जाए? मेरी सिर्फ यही है, वर्षा मैडम जो है अपने काम को ईमानदारी से कर रही है, नहीं कर रही है, उससे हमसे लेना देना नहीं है, हम सिर्फ जो है हमारे काम को नहीं हम कर पा रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि वह हमसे मिल नहीं रही है, हम हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ताकि हम आगे का काम नहीं कर पा रहे, भ्रष्टाचार होते जा रहा है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जनता का जो हक है वो उनको मिले। इतने बड़े हॉस्पिटल में, ईएसआई हॉस्पिटल में 3 पेशेंट है और 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 3 पेशेंट के ऊपर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आज 7 नवंबर है, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है कोई आके पता कर सके आज के डेट में, तो आप समझिए भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। मेरा चैनल इन चीजों को उजागर कर रहा है, इन चीजों को हम काम कर रहे हैं और ऐसे लगातार करते रहेंगे। बस मेरा यही है कि वर्षा मैडम हमें कॉन्टेक्ट करें, हमारी प्रॉब्लम जो है उन चीजों को देखें और सॉल्व करें, और बाकी लोग भी आते होंगे, रजिस्टर रखने से उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ मैं जय पांडे, पीजी न्यूज से, जय हिंद।